بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم This problem is related to trigonometry. If alpha plus I beta is equal to b to the power x plus iy, prove that one value of y upon x is 2tan-1 beta upon alpha upon log alpha square plus beta square. यहाँ पर हमें लिखा हुआ है one value of का मतलब होता है कि हमें principal value consider करना है, general value consider नहीं करना है. तो जो सबसे पहले जो given value है उसको हम लिखेंगे. given है alpha plus I beta is equal to b to the power x plus I beta. अब इसके बाद हमें जो कि value जो निकालना है y upon x की value निकालना है और यहाँ पर वो power में है, degree में है, तो इसको नीचे लाने के लिए दोनों साइड हम log ले लेंगे. तो taking log both sides we get log alpha plus I beta is equal to log of b to the power x plus iy. और हम लोग जानते हैं जो log में power होती है वो यहाँ पर आगे log में multiply कर जाती है. तो ये power को शुरू में लिख देंगे क्योंकि हमने इस formula का use करना है. log m to the power n होता है, n log m होता है, यानी जो power होती है वो आगे multiply कर जाती है. तो इस formula का हमने use करना है. यहाँ पर x plus iy into log अब भी बेस यहाँ पर ही है, दोनों साइड में ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा. अब यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लॉगरिथम का, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की लॉगरिथम की आइडेंटिटी को अब फार्मूला यानी अप्लाई करेंगे. वो ये होता है लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग रियल पार्ट जो कि एक्स है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो वाई का कोफिशेंट होता है जो कि वाई है इसका स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो कि वाई है अपॉन रियल पार्ट. इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है लेफ्ट हैंड साइड में. जब उसमें यूज़ करेंगे देखने एक्स यहाँ पर अल्फा है, वाई की जगह पर बीटा है, तो ये वैल्यू इसका फार्मूला एज इट आ जाएगा 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस आई बीटा. बस हमें एक्स को अल्फा से और वाई को बीटा से रिप्लेस करना होगा. 10 इनवर्स ये हो जाएगा बीटा अपान अल्फा. और राइट हैंड साइड में हम ये करेंगे ब्रैकेट ओपन करके इस लॉग बी का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आ जाएगा एक्स इंटू लॉग बी, बेस यहाँ पर ना लिखें तब भी ये ई माना जाएगा, प्लस आई इंटू वाई लॉग लॉग बी बेस ई. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है. तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेटिंग, यानी हम बराबर रख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट. रियल पार्ट को जब इक्वेट करेंगे 1/2 दोनों साइड के रियल पार्ट को आपस में इक्वेट कर रहे हैं. यहाँ पर एक गलती हुई है, हालांकि फार्मूला हमने कहा ऐसे ही यूज़ करना है, वाई के यहाँ पर सिर्फ बीटा रखना है. तो आई यहाँ पर लग गया धोखे से, उसे हटा दीजिए. तो ओनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और प्लस ये तो रियल पार्ट हो गया इतना, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है एक्स लॉग बी, बेस यहाँ पर ही है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं. और जब इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे तो आई का कोफिशेंट देखा जाता है, आई में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है. आई में मल्टीप्लाई हो रहा है 10 इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा से, और इस तरफ आई में मल्टीप्लाई हो रहा है वाई लॉग बी से, बेस ही है, इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे. अब हम जो प्रूव करना है उसमें देख रहे हैं कि वाई अपान एक्स है, तो वाई अपान एक्स तब आएगा जब हम इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 वाई 1 वी गेट, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर में सॉरी. तो ये वैल्यू जो आएगी 10 इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में यानी दोनों इक्वेशन के हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया, ऐसे अब राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 का. राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में आएगा वाई लॉग
बी, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर वन का जो डिनोमिनेट राइट हैंड साइड है वह डिनोमिनेटर में आएगा लॉग बी, क्योंकि ये देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वाई अपान एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड करना थी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो बचा हुआ हमारे पास वो वाई अपान एक्स है जिसकी वैल्यू देख रहे हैं इसके बराबर है, जो कि टेन इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा और वन बाई टू लॉग ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, क्योंकि डबल अपान में यहाँ पर टू है तो टू का ऊपर जाके इन टू हो जाएगा, तो वैल्यू वाई अपान एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू टेन इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा और लॉग ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।